नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। द केरला स्टोरी की आज बात करेंगे क्योंकि देश के कई जगह अब ये स्टोरी बैन हो गई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म को बैन कर दिया गया है, जिसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। फिल्म के निर्माता सुदीप्तो सेन ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लगी रोक के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी है और अपील की है। वहीं आपको बता दें कि निर्माताओं की याचिका को वरिष्ठ वकील हरीश ने चीफ जस्टिस के सामने पेश किया है और कहा है कि इस मामले को जल्द सुना जाए। और इस पर पीठ ने कहा है कि उसने मंगलवार को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अलग याचिका पर 15 मई को सुनवाई करना तय किया है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। विवादों में घिरी फिल्म द केरला स्टोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। 5 मई को रिलीज होने के बाद से यह फिल्म लगातार सुर्खियों में है। जहां कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया है तो जबकि कई राज्य इस पर बैन की मांग कर रहे हैं। सुदीप्तो सेन डायरेक्टेड इस फिल्म में लव जिहाद को साफ तौर पर दिखाया गया है, जिसके बाद से अब मुस्लिम समुदाय और कई राज्य इसके खिलाफ आ गए हैं और फिल्म पर रोक की मांग कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म रिलीज के बाद से लगातार विवादों में घिरी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर अपने अपने विचार रख रही हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने फिल्म को बैन कर दिया है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी फिल्म के शो कैंसिल कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस फिल्म को लेकर कहना है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, साथ ही इसे गलत तरह से भी पेश किया गया है। Why this Kashmir files? To humiliate one section. What is this Kerala files? Though I don't support the CPM people. I am talking about the people. I am not talking about the CPM party because they are working with BJP. Instead of me, it was their duty to criticize it. But they work together. I will request the state government chief minister. Very sad that your party is working with BJP. And that BJP is showing the Kerala files a distorted stories. वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इस बयान के बाद अब बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विरोध कर रही पार्टियों पर पलटवार करते हुए कहा है कि विरोधी पार्टियां एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और इस सच्ची घटना को वो कोर्ट जाकर भी नहीं रोक पाएंगे। खुद सत्ता में नहीं थे तब तो कुछ और कहते थे, लेकिन अब इसको झूठा बताने का काम करते हैं, प्रोपेगेंडा बताते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि तुष्टीकरण की राजनीति का ये खेल, वोट बैंक की राजनीति का खेल भारत की कई बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति से बाहर आना चाहिए और मैं अपने कांग्रेस और कम्युनिस्ट मित्रों से कहना चाहता हूं, सच्चाई को ना आप कोर्ट जाकर रोक पाएंगे, ना आप इस फिल्म को झूठ बताकर रोक पाएंगे। वहीं राजनीतिक पार्टियों में भी इस गहमा गहमी के बीच फिल्म के क्रू मेंबर्स की भी परेशानी बढ़ गई है। दरअसल फिल्म के क्रू मेंबर्स को फिल्म के रिलीज के बाद धमकी मिलने लगी है। बता दें कि फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन को एक अनजान नंबर से मैसेज आया है, जिसमें उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने की धमकी दी गई है। साथ ही शख्स ने यह भी कहा है कि उन्होंने स्टोरी दिखाकर अच्छा काम नहीं किया है। फिलहाल फिल्म डायरेक्टर को मिले इस धमकी के बाद से उनकी और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो फिल्म तो रिलीज हो गई है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस पर बैन लगा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में बैन है, तमिलनाडु में बैन है, वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश में इसे टैक्स फ्री किया जा रहा है। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में इसको टैक्स फ्री किया जा रहा है, यहां तक कि मध्य प्रदेश में भी इसको टैक्स फ्री किया जा रहा है। और बीजेपी नेता इस चीज की अपील कर रहे हैं महिलाओं से, बेटियों से, कि इस फिल्म को जरूर देखें। और फिल्म को देखे ही नहीं,
फिल्म की कहानी को समझें, क्योंकि इसमें हकीकत को दिखाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य में इस फिल्म को बैन कर दिया है। उन्होंने कहा ये एक बीजेपी का मात्र प्रोपोगंडा है और उन्होंने कहा है कि एक मनगढ़ंत कहानी है जिसमें झूठ दिखाया गया है। तो आपको बता दो चले कि पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है, लेकिन फिल्म के जो मेकर्स हैं वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की चौखट में न्याय की अपील की है और इस पर पूरे मामले को आपको बता दो चले कि अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है और जल्द ही इस पर फैसला आएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत जो है वो भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अगर साधु संतों की बात की जाए तो वो भी इस फिल्म को देखने की बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी को इस फिल्म को देखना चाहिए। बता दें कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म द केरला स्टोरी के बैन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। फिल्म के निर्माता यानी कि सुदीप्तो सेन ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में लगी रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मदद किए जाने की अपील की है। तो चलिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सुमित मल्होत्रा हैं जो कि टीएमसी नेता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और आलोक वत्स हैं जो कि बीजेपी नेता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुमित जी आपके पास आना चाहूंगा। सुमित जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में आखिर इस फिल्म को बैन क्यों किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर बात की जाए मध्य प्रदेश की या फिर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर टैक्स फ्री तक कर दिया गया है, यानी कि कह दिया गया है कि इसको टैक्स फ्री करके दिखाया जाएगा। यहां तक कि बीजेपी नेता कह रहे हैं इस फिल्म को महिलाओं को बेटियों को देखना चाहिए और उसको समझना चाहिए, जबकि ममता बनर्जी कह रही हैं ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। है कि आज हम लोग केवल पिक्चरों के ऊपर आकर के बात करते हैं, शिक्षा क्यों नहीं फ्री करते हैं जी, स्वास्थ्य क्यों नहीं फ्री करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, पिक्चरों को कब तक हम लोग भटकते रहेंगे। कुछ तत्व उसमें ऐसे हैं जिसके ऊपर तो लेकर के रोक लगाई गई है। ये लोग चुनाव के समय में, देखिए चुनाव 2024 का आने वाला है, ये उत्तर प्रदेश का चल रहा है, इन लोगों को चुनाव के समय पे ही ये लोग पिक्चर लेकर के आते हैं। शिक्षा के ऊपर बात करिए ना, स्वास्थ्य के ऊपर बात करिए ना, क्यों नहीं करते उसको, उसके ऊपर क्यों नहीं फ्री करते हैं आप लोग। ये प्रोपोगंडा बना करके भारतीय जनता पार्टी जो चल रही है वो फेल होती जा रही है। इन्होंने कहा धर्म की, धर्म का आड़ ले लो, स्वास्थ्य पर बात करेंगे नहीं, इन्होंने कहा पिक्चर को लेकर के आओ, क्यों नहीं लाते गुजरात फाइल्स, क्यों उसके ऊपर बैन करा दिया, गुजरात फाइल्स भी तो आई थी, बैन क्यों करा दिया उसके ऊपर, उसको भी तो लेकर गया, ये जनता के सामने रखिए ला करके, उसे नहीं लेकर के आए। सूचना आयोग सही कर मंत्री इनके सूचना, ठीक है सर, ठीक है सर, करवा रहे हैं जी। सर आप बोलिए सुमित जी। तो मेरा मैं जो बात कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि सारे सब कुछ इनका है, ये जो पिक्चर चलाना चाहते हैं चलाइए, पर जनता अपना निर्णय लेगी इस बार 2024 में। हमें सर इसमें 2024 की और 22 23 24 जो भी आप बोल रहे हैं इसकी बात कहां से आ गई। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि द केरला स्टोरी जो है इसमें तकलीफ कहां है, कहां समस्या आ रही जो आप लोगों ने बैन कर दिया है, पूरा देश इसको देखना चाह रहा है, 32,000 महिलाओं की बात है इस पे। आप चलाइए ना, तो चलाने कहां दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में, कहां चलाने दे रहे हैं, बैन लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मेकर। अरे साहब ये बताइए पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं चला सकते हैं, देखिए इसको भारतीय जनता पार्टी ने बनवा के तैयार किया है क्या, कश्मीर फाइल्स भी लाए थे क्या, हुआ थोड़ा समय चलाया, अब इन्होंने जबरदस्ती अपने कार्यकर्ताओं को पैसा दिया, आप जाकर भीड़ देखिए क्या हुआ, आज कहां है कश्मीर फाइल्स, क्या हुआ कश्मीर फाइल्स के साथ, क्या हालात ये कराना चाहते हैं आप लोग, कश्मीर में आकर चुनाव नहीं हुआ, बैन करा हुआ, फिर रोज हत्याएं हो रही है ब्राह्मण, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, क्यों नहीं करते, ये प्रोपोगंडा है और कुछ नहीं है, इसलिए हम लोगों ने बैन करा है, बहुत अच्छा है। और ना देखें हम तो खुद करेंगे किस तरीके की चीजों को ना देख करके आप फेंकें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करना चाहते हैं। ठीक है आलोक जी क्या कहेंगे आप, प्रोपोगंडा बता रहे हैं टीएमसी के नेता। देखिए टीएमसी अपीजमेंट की पॉलिसी कर रही है, ये पूरे देश को मालूम है, और एक पर्टिकुलर समुदाय को वोट बैंक समझकर इतने रोहिंगा बांग्लादेशी हैं सबको अपने गोदी में बैठाकर और उनको वहां का नेशनल बना के
ये अपनी कुर्सी बचाए रखने की कवायद कर रहे हैं। ये एक तार्किक सत्य है कि केरल में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में लव जिहाद के नाम पर हमारी बहु बेटियों के साथ जी उनको फंसाकर और उनके साथ गलत चीज गलत तरीके से व्यवहार किया गया, उनका शोषण किया गया, उनको बलात्कार किया गया, उनका धर्मांतरण किया गया। केरला में ये PFI की पैदाइश हुई थी और वहां ये सबसे ज्यादा एक्टिव है और इन आंकड़ों में तथ्य में दम है कि 32,000 महिलाओं को लड़कियों को ये 14-13 वर्ष की लड़कियों को जब पकड़ते थे जी। तो मुझे अपने मेरे अनुयायी ने बताया कि उनको कोई गोली खिलाते थे जो बूस्टर डोज जी जिससे उनका यौवन बढ़ बढ़ के दिखता था। 13 साल की लड़की 19 साल की दिखने लगती थी और उनका इन्होंने यौन शोषण किया। उसके बाद उनको ISI और जो दूसरे आतंकवादी सीरिया में जो एजेंसीज है उनके हवाले कर दिया। उन्होंने भी उनको नोचा और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी और आत्मघाती हमले के लिए उनको तैयार किया। उसमें से बहुतों को शहीद करा दिया और खुद भी बहुतों को मार दिया जिन्होंने रेसिस्ट किया। तो इन चीजों के लिए आई ओपनर है। देखिए भाई, भाई आलोक जी, आप जो कहानी बता रहे हैं सिनेमा आलोक जी, आलोक जी आवाज पहुंच रही है, आप जो बता रहे हैं ठीक ऐसा ही फिल्म में भी बताया गया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं TMC वो तो समझने को तैयार नहीं भाई। वो तो बोल रहे कि BJP का प्रोपोगंडा है, झूठ फैलाया जा रहा है, मनगढ़ंत कहानी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बोलती हैं। आप देखिए, मैंने आपको कहा ना इस फिल्म को दिखाने से उनको क्या डर है, क्या खराबी हो जाएगा। समाज को शिक्षित करना है, बहु बेटियों को सावधान करना है, इसके लिए फिल्म दिखाइए। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर होगा तो उनको सतर्क कर दीजिए कि भैया ऐसा कोई जाल फैलाएगा तो उसके जाल में मत आना। तो ये इसको बैन करके इनको सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ग को अपीज करना है, उसको खुश रखना है, इसके लिए उन्होंने इस तरीके की कवायद की है और कोई इसका मतलब नहीं है। इनको हिंदुस्तान की बहु बेटियों से, इनको हिंदुस्तान की आवाम से कोई मतलब नहीं है। अपना सीट वेस्ट बंगाल में बचा रहे जय श्री राम, दूसरे चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है जी। ये एजेंसियां भारत की अखंडता पर चोट करती हैं और अब ये भारत की अस्मिता पर भी चोट कर रही हैं। हमारी बहु बेटियों को उठाकर उनका यौन शोषण करना, उनसे बच्चे पैदा कराना, 3-4-5 की तादाद में उनके शरीर को नोच नोच कर खाना और बाद में उनको ISI की ट्रेनिंग में भेज के आत्मघाती दस्ते के लिए तैयार करके ठोक देना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, वापस आएंगे। ठीक है सुमित जी से मैं जवाब ले लेता हूं। सुमित जी, आपने सुना कि किस तरीके की उसमें कहानी दिखाई गई है कि 32,000 बेटियां जो केरल की थी उनको ISIS में शामिल करवाया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, उनका यौन शोषण किया गया, ये कहानी दिखाई गई है इस फिल्म में। और इसको भाई क्या आपत्ति है अगर ये पश्चिम बंगाल में चल जाएगी और लोग जान जाएंगे कि आखिर क्या हुआ केरल की महिलाओं के साथ, क्या हुआ केरल की बेटियों के साथ। हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बात हमारी होनी चाहिए गुजरात के अंदर कितनी लड़कियां और वहाँ पे बच्चे गायब है। 18,000 के आसपास लगभग आंकड़ा जो आ रहा है, 18,000 का वो वहाँ पे गायब है। वो वहाँ पे क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, गुजरात का आंकड़ा नहीं देंगे, गुजरात से गायब हो रहा है, उत्तर प्रदेश से नहीं देंगे कि ह्यूमन राइट्स के उससे बच्चे गायब हो रहे हैं, क्यों उत्तर प्रदेश में सरकार की है। जो आप लोग पिक्चर के माध्यम से ये चुनाव देखिए, प्रोपोगंडा ही चल रहा है और कुछ नहीं है, ये इन्होंने कहा अभी आलोक जी ने। अरे मुझे ये बताइए सर, प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है जब पूरा देश इसको देखना चाह रहा है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं देश से आ रही, साधु संतों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप केवल चुनाव पर आके गए, चुनाव से इसका क्या मतलब है, चुनाव से इसका क्या लेना देना है, आप इस चीज को चुनाव से कैसे जोड़ सकते हैं, जरा डिफाइन करिए, समझाइए, मैं भी समझना चाह रहा हूँ, पूरा देश समझना चाह रहा है। देश का माहौल कौन खराब कर रहा है इस पिक्चर के दिखाने से, इस फिल्म से, इस फिल्म से देश का माहौल कैसे खराब हो सकता है, कहां पर इसका विरोध किया जा रहा है, जरा आप बताइए।
देखिए जहां जिस जगह पे हमें लगेगा पिक्चर खराब है, पिक्चर में जो स्टेट समझेगा वो चलाएगा, इनके से नहीं है कि आप चलाइए, क्यों नहीं चला? आप अपने चलाइए ना, उत्तर प्रदेश में चलाइए, उत्तर प्रदेश में चल रही है टैक्स फ्री हुई है, हिमाचल प्रदेश में चल रही टैक्स फ्री हुई है, मध्य प्रदेश में चल रही है टैक्स फ्री हुई है, कैन यू डिफाइन मी कि आखिर इसमें गलत क्या है, आप बता सकते हैं जिससे कि देश की जनता समझ सके, पश्चिम बंगाल के तमाम नागरिक समझ सके जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वोट बैंक एक करके हम इस पिक्चर के माध्यम से केवल एक धर्म को करके हम कर लेंगे काम, तो कर ले और चलाना चाहे चला ले। अरे इसमें इसमें भाई साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ किस धर्म की बात आप कर रहे हैं, किस एक धर्म की बात आप कर रहे हैं, इसमें तो हकीकत दिखाई गई है भाई, 32,000 बेटियों का सवाल कोई एक दो बेटियां नहीं है, 32,000 केरल की बेटियां हैं जिनकी सच्चाई दिखाई गई, तीन बेटियों ने अपनी कहानी बताई है। 18,000 का आंकड़ा गुजरात का है, उसके ऊपर क्यों नहीं कहते हैं लोग, क्यों नहीं बताते आलोक जी, बताइए ना। अरे ठीक है जी, ठीक है आलोक जी, वो भी वहां पे भी गायब हुई है, देखिए गुजरात से गायब हुई है, गुजरात में सरकार किसकी है, गुजरात में सरकार किसकी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी गृह मंत्री वहीं से आते हैं, क्यों नहीं इसके ऊपर बात करते, क्यों नहीं वहां का आंकड़ा देते, केरल में हुई केरल का आपने पिक्चर बनवा के आपने छपा दी, अपने प्रदेश का आप हाल नहीं बताएंगे, छुपाएंगे क्यों छुपाएंगे भाई, वहां का भी तो बताइए, वहां के भी तो बच्चे गायब हुए, पर देश में गुमराह करने का प्रोपोगंडा चलाने का काम चल रहा है माननीय मोदी जी नरेंद्र मोदी जी का, और ये सबके सामने आ चुका है, ज्यादा दिन अब चलेंगे नहीं ये लोग। ठीक है मैं सब जवाब ले लेता हूँ आलोक जी, आलोक जी मुझे जवाब दीजिए, बार बार गुजरात का जिक्र किया जा रहा है, जरा गुजरात पे जवाब दीजिए टीएमसी के नेता को। देखिए उन्होंने जी बड़ी साफगोई से सारी बातें स्पष्ट कर दी है स्वयं, ये साजिश जी मैंने पूर्व में भी कहा, ये पूरे हिंदुस्तान ने, ये पीएफआई के लोग, ये लोग पूरे हिंदुस्तान में लड़कियों के साथ इस तरीके का लव जिहाद करके और उनके साथ इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो इन्होंने खुद ही इस बात को कबूल लिया कि ये गुजरात में भी हो रहा, उत्तर प्रदेश में हो रहा, मैं स्वयं कह रहा हूँ बिल्कुल सारे जगह हो रहे हैं, मैं तो स्वयं इस बात को कबूल कर रहा हूँ, मेरे गांव तक में हो रहा है कि इस तरीके के जो संगठन है जी, इनके रूट्स, इनके जड़े पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई हैं, सबसे ज्यादा इनकी जड़ें मजबूत है केरल में, अन्य जगहों पे कम है लेकिन है मौजूद सब जगह, हमको इनके मनोबल को तोड़ना है, इनके घुटनों को तोड़ना है, इनके इरादों को तोड़ना है, इनके कार्यों पर बंदिश लगानी है, उसमें इनका साथ चाहिए, मुझे टीएमसी का साथ चाहिए, अपीजमेंट की पॉलिसी बंद कीजिए, किसी की भी बहू बेटी आपकी भी बहू बेटी है उसके साथ इस तरीके का लव जिहाद करके झूठे बड़े बड़े सपने दिखा के शोषण करके बच्चे सब पैदा करके और आत्मघाती दस्ते में शामिल करा के आप उनकी जिंदगी को नष्ट नाबूद कर रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए, आप बंद कीजिए अपीजमेंट की पॉलिसी, आपने रोहिंगा और बांग्लादेशी लोगों को अपने यहाँ प्रश्रय देकर अपने माथे पर बिठा रखा है, इसको बंद कीजिए और पूरे हिंदुस्तान की आवाम को, बहुओं बेटियों को, हिंदुओं की, इनको ऐसे दरिंदों से, ऐसे भेड़ियों से बचाने के काम में, इस पुनीत कर्तव्य में अपना और अपने पार्टी का योगदान दीजिए, इसमें राजनीति मत कीजिए, ये राजनीति की चीज है, इसमें राजनीति ना करें तो बेहतर है, शिक्षा मिली करिए, क्यों नहीं करते हैं आप शिक्षा मिली करिए, शिक्षा के ऊपर बात नहीं करेंगे, शिक्षित बनाइए लोगों को, रोजगार दीजिए, या क्या हो रहा है देश के अंदर, शिक्षा के ऊपर आप बताइए, आप क्या समझ रहे हैं 32,000 लड़कियां ये अनपढ़ गंवा रहे हैं, केरल हिंदुस्तान का सबसे शिक्षित है, शिक्षित है, इंग्लिश बोलना जानती है, वहाँ की लड़कियाँ बकरियाँ नहीं है, पढ़ी लिखी है, आप लोग जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चला रहे पिक्चर के माध्यम से, बंद करिए, ये बंद करिए, ठीक है, शिक्षा दीजिए, शिक्षा के ऊपर बात करिए, शिक्षा नहीं करिए, क्यों नहीं करते आप, आपको मेरी बात का जवाब नहीं दिया, ये लड़की यहाँ से उठाई
फंसाई गई है, जहाँ से जाल में फंसाई गई है, जहाँ से ये जाल में मोह पास में फंसी है वो केरल के लिए है। और केरल में 99% शिक्षा का साक्षरता दर है। गृहमंत्री प्रधानमंत्री बस और कोई काम है? गृहमंत्री प्रधानमंत्री को गाली देने के अलावा और कोई काम है आपके पास? ठीक है सर, सुमित जी एक सेकंड वापस आते हैं। सुमित जी आपके पास ही मैं आ रहा हूँ। मैं सुमित जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अभी आपने जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश गुजरात में भी लव जिहाद के मामले सामने आ रहे, ये आपने बोला था अभी, मैं सही बोल रहा हूँ सुमित जी? आलोक जी मैं आपके पास वापस आता हूँ एक सेकंड। सुमित जी आपने बोला था, ये आवाज पहुंच रही है? अब ये बताइए सुमित जी, अगर ऐसे मामले आ रहे हैं, आप भी जानते हैं और इस फिल्म में आपने तो खैर देखी नहीं होगी फिल्म, क्योंकि आपकी जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्होंने तो बैन लगा दिया, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको स्टोरी क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च करके मैं बैठा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अगर इसमें यह बताया गया है कि लव जिहाद के मामले जो आते हैं, कैसे बच्चियों को फंसाया जाता है, भोली वाली बेटियों को फंसाया जाता है, ये एक मामला नहीं हजारों मामले आते हैं, ये तो मूवी की बात मैं कर रहा हूं जो फिल्म रिलीज हुई है, हम हकीकत बता रहे हैं आपको। श्रद्धा मर्डर केस आपको याद होगा, ऐसे तमाम केस हैं जिसमें बेटियों के 35-35 टुकड़े कर दिए गए। इसमें क्या होता है, बेटियों को फंसाया जाता, बहलाया फुसलाया जाता है, नाम बताया जाता है राम लक्ष्मण, इस तरीके से नाम बताकर बहलाया फुसलाया जाता है, इसके बाद उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, इसके बाद उनसे बच्चे पैदा करवाए जाते हैं और बाद में उसको छोड़ दिया जाता है या फिर काट के फेंक दिया जाता है। ऐसे मामले तमाम सामने आए हैं और ऐसा ही कुछ केरल में हुआ इस स्टोरी में, जिसमें करीब 32,000 बेटियां, यानी कि 32,000 बेटियां जो हैं वो ISIS में शामिल कराएंगी, वहां उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनका यौन शोषण हुआ, ये तमाम चीजें इसमें दिखाई गई हैं और इसका एक मकसद ये है, ये बीजेपी का प्रोपोगंडा आप बता रहे हैं और मैं आपको ये बता रहा हूं, इसमें केवल ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि बेटियों आप समझो कि क्या हुआ तो उस टाइम, और आप आगे से सतर्क रहो क्योंकि ये चीजें अभी थमी नहीं है, अभी भी हिंदुस्तान में हो रही है और ऐसा एक संगठन है जो अभी भी एक्टिव है और ऐसे मामले तमाम सामने निकल कर आते हैं लव जिहाद के, और आप इस मूवी पर बैन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रोपोगंडा है, मनगढ़ंत कहानियां हैं, और आप खुद बोल रहे हैं यहां पर टीवी स्क्रीन पर आकर, आप खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से हैं कि उत्तर प्रदेश गुजरात तमाम जगह ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो बेटियों को दिखाइए जिससे कि पता चले बेटियों को किस तरीके से सतर्क रहना है, उन बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं आगे चल के ना हो, इसमें आखिर गलत क्या है बताइए आप मुझे। आप बताइए, आपने कहा लव जिहाद क्या है, आप बताइए, इनके नेता खुद अपनी बेटियों को जिस तरीके से एक दूसरे धर्मों में देख रहे, आप इनके सीधे सीधा हिंदू और मुसलमान बन बात आप कर रहे हैं, आप चरण से ये जो नेता ये लोग कर रहे हैं बीजेपी के, ठीक है, ये लोग खुद अपनी बेटियों को कहते हैं आप हमारे दामाद बनिए, दामाद बनाते हैं, सारी चीजें करते हैं और आप कहते हैं लव जिहाद लव जिहाद, आप करें तो प्यार और दूसरा जन कर रहा है तो लव जिहाद तो आपको देते हैं, आपको नहीं देना चाहिए। और देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई भी गलत काम का समर्थन पार्टी नहीं करती है, कहीं कोई चीज गलत होगा और उसे उसका साथ नहीं दिया जाएगा किसी भी तरीके से। जरा स्टूडियो की आवाज को अधिक करिए। जी जी बोलिए सर। चाहे हमारी बहन हो, बेटी हो, माँ हो, किसी के दल में भी कोई गलत होगा तो पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है, किसी भी गलत काम का हमारी पार्टी समर्थन नहीं करती है। जो आरोपी है, जो गलत काम कर रहे हैं, कार्रवाई करिए, सरकार क्यों सो रही है, सरकार के हमारे आंकड़े बयान क्यों सो रही है, देश के गृहमंत्री क्यों सो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री क्यों सो रहे हैं, अगर ऐसा काम हो रहा है देश के अंदर क्यों सो रहे हैं, यहाँ पिक्चर में दिखाने का काम चल रहा है, शिक्षण के माध्यम से बनवा होगा कि बहन बेटियों के बारे में बात करेंगे, आप शिक्षा भी करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, लोगों के बीच में जाकर के शिक्षा की बात करिए, शिक्षक बनाइए, उनके माध्यम से बताइए आप तो गलत हो रहा तो, पर नहीं ये बात उससे नहीं करती है, ये बात उससे करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैं किसी भी चीज में आपको मैं से बता रहा हूँ, चेयर में बैठ करके सभी लोग देख रहे हैं, मेरा आप लोगों से आपके टीवी के माध्यम से चैनल के माध्यम से निवेदन है कि गलत काम का समर्थन कोई भी ना करे, हम भी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, हमारी पार्टी भी नहीं करेगी। ठीक है आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं एक सेकंड, आलोक जी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ये मूवी को बैन किया गया, मैं आपसे जानना चाहता हूं आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों ममता बनर्जी इस मूवी को चलने नहीं दे रही हैं? सर इसी बात को कितनी बार दोहराऊं जी, अपीजमेंट एक पर्टिकुलर वर्ग को अपीजमेंट करने के अलावा और कोई कारण नहीं है। ये कितनी बेशर्मी से नेशनल चैनल पर आपके बोल रहे हैं कि शिक्षित कराइए,
इनको मैं बताना चाहता हूँ, जिस स्टेट में ये कांड हुआ है वहाँ 99% साक्षरता है, 99% लोग केरल के शिक्षित हैं और वहाँ पर ये कांड हो गया है। केवल केरल की बात क्यों करते हैं आलोक भाई, शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, ये लड़कियाँ वहाँ की लड़कियाँ अलग थी विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन में। एक एक करके सुमित जी देखिए, एक एक करके आलोक जी को बोलने दीजिए पहले। सुमित जी, ये लड़कियों में से अधिकांश लड़कियां कार्यरत थी किसी न किसी ऑफिस में, किसी न किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। ये घर बैठी हुई नहीं थी, ये बाहर निकली तो इनको मोजाल में फंसाकर फिर ये साथ सारा कांड इनके साथ किया और ये कह रहे हैं कि शिक्षित कर दीजिए। अरे 99% के बाद अब कितना शिक्षित नहीं। आलोक जी, मैंने जो सवाल आपसे पूछा, आखिर पश्चिम बंगाल में इसका बैन करने का कारण क्या है? क्या किसी समुदाय को खुश करने के लिए बैन किया गया है? बिल्कुल, मैंने क्या कहा, अपीजमेंट मतलब खुश करना, किसी समुदाय को खुश करके अपने वोट बैंक को बचाना और उसको अपने इकट्ठा करना, उनको माथे चढ़ाना, और कोई काम नहीं और कोई कारण नहीं है। ठीक है फाइनल कमेंट सुमित जी, समय की कमी है, फाइनल कमेंट। देखिए मैं फिर कहूंगा, जिस तरीके से कश्मीर फाइल दिखाई गई थी वहां पे इन लोगों ने बहुत प्रोपेगेंडा करा चुनाव से पहले कि यहाँ पे हिंदुओं की हत्या हो रही है, अब कश्मीर अब केरल फाइल आ गई। अरे सर, कश्मीर फाइल दिखाई गई थी, हिंदुओं की हत्या की बात की गई थी, क्या वहां पर हुआ नहीं? ऐसे तमाम हिंदुओं को टारगेट किया गया वहां पर, टारगेट किलिंग के तमाम केस आए, कितने गिनवाऊं मैं आपको? आज कहां है, आज उसके बावजूद भी कहां है, हम लोग कहां है, क्या हो रहा है कश्मीर में, आखिर हो रहा है ना वहां पर केंद्र सरकार द्वारा सरी शासन लगाए हुआ, क्या है उसके बाद चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? कहते हैं 370 हटा दी गई, उसका भी उसके बाद भी आज हालत देख लीजिए क्या है, कहते हैं ठीक हो गया, वहां पे प्रोपेगेंडा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है और हम गलत काम का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले